जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में हालात बेहद सामान्य हैं। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के लिए न सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं बल्कि अनावश्यक आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. Unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties. Otherwise, there is nothing new. सत्यपाल मलिक ने साफ किया कि कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा जिससे चिंता की जाए। There is no inclination that there is something is going to happen here. I don't know about tomorrow, but that's not in my hands. But till today, there is nothing to worry. पर्यटकों और यात्रियों के राज्य छोड़ने की एडवाइजरी का जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सीमा पार बहुत सारे आतंकी मौजूद हैं और हमारी तैयारी ऐसे खतरों से देश को बचाने की है। लॉट ऑफ टेररिस्ट आर सिटिंग अक्रॉस द लाइन टू क्रॉस हियर एंड मोस्ट ऑफ देम आर फिदाइन। इफ समथिंग हैपेंस इट दैट वुड हैव द रिपरकशंस इनसाइड द कंट्री ऑल ओवर, सो वी वांटेड टू अवॉइड दैट। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर महबूबा मुफ्ती के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। उमर ने कहा कि संसद में सरकार को बताना चाहिए कि कश्मीर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा खत्म करने का और टूरिस्टों को यहाँ से निकालने का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पार्लियामेंट से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता की अपील की है। महबूबा ने कहा कि सबके साथ आने से केंद्र को संदेश मिलेगा कि वो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से नहीं खेल सकता। हम तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज जिनको इस वक्त करप्शन के नाम पे यहाँ बदनाम किया जा रहा है, हम किसी चीज से डरने वाले नहीं। हम इकट्ठे हो जाएंगे और आखिरी सांस तक हम जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को की हिफाजत करेंगे। कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने भी चिंता जाहिर की है और बीजेपी पर भय और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए 1990 याद आने की बात कही। आज फिर वही 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ये भय और नफरत पैदा कर रही है कि जैसे कोई कश्मीर में बहुत सब आउटसाइडर्स को मारा जा रहा है। बीजेपी ने कश्मीर में डर के माहौल की अफवाहों को गलत बताया है और विपक्षी पार्टियों पर मामले में सियासत करने का आरोप लगाया है। जनता को कोई घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। ये भय खौफ का जो माहौल बनाया जा रहा है ये जानबूझ के एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता बना रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा बलों के सूत्रों से खबर है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। कई आत्मघाती हमलावर सीमा पार से घुसपैठ करने की फिराक में हैं, साथ ही आईईडी हमले की भी योजना बना रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा रद्द होने और जम्मू कश्मीर जल्द छोड़ने की एडवाइजरी के बाद टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के वापस लौटने का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को मार गिराया। सोपोर में आज सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और एक SLR बरामद की है। 2 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज रिकवर हुई है अलोंग विद 2 AK राइफल्स। दोनों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से, जो प्रिलिमिनरी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है जैश ए मोहम्मद से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ में आज भी सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है जबकि एक आतंकी को कल मारा गया था। शोपियां में मारे गए दोनों आतंकी भी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे जिसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर फिर निशाना साधा है। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में अपनी विचारधारा की वजह से बढ़ रही है, एक परिवार की वजह से नहीं। बीजेपी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड आइडियोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ द वन और अदर फैमिली। जो संगठन का मंत्र है और संगठन ही हमारा सर्वोपरि है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला दिशा दर्शन शिविर में पीएम मोदी ने मंत्रियों और सांसदों को सीधा संदेश दिया है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज ना करें, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी बातें सुने। पीएम ने सांसदों से कहा कि वो हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखने की इच्छा रखें।
साथ ही सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या को समझकर पूरी ताकत से संसद में उठाएं। सांसदों की कार्यशाला में एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। कार्यशाला में पीएम मोदी 10वीं कतार में अपने सांसदों के बीच बैठे दिखे। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और इस कार्यशाला में वो बतौर सांसद प्रेजेंटेशन सुन रहे थे। मैंने देखा इतने हम्बल है, किसी को पता ही नहीं था, पीछे आके आराम से बैठ गए और पूरा सुना उन्होंने उस वक्ता को। संसद के सत्र में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ऐसे में बीजेपी ने अगले 3 दिनों के लिए अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि अयोध्या विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की कोशिशें बेकार साबित होंगी। अयोध्या पहुंचे योगी ने कहा कि 6 अगस्त को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई होनी है, ऐसे में उन्हें लगता है कि इस मामले में कोर्ट में जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हम लोग पहले से जानते थे मध्यस्थता से अब कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अच्छा है, प्रयास अगर हो तो अच्छी बात है। उच्चतम न्यायालय में जो मामला वर्तमान में है, अवश्य जनभावनाओं का सम्मान होगा। योगी ने कहा कि अयोध्या में एक नई पहल शुरू होने वाली है। योगी का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो, ये हर भारतीय की इच्छा है, लेकिन बड़े काम के लिए बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अयोध्या को एक पहचान मिलनी चाहिए, जिसका हकदार अयोध्या रहा है, जिस हक से अयोध्या को वंचित किया गया था, उस हक को अयोध्या को दिलाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत दिवंगत रामचंद्र दास परमहंस के नाम पर बने गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां भगवान राम की प्रतिमा लगाई जानी है। उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने दिल्ली की 30,000 कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। 30,000 कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर और शशि सिंह के नाम पर प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सीबीआई के 3 सदस्यों की टीम ने मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से यूपी की सीतापुर जेल में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई की एक दूसरी टीम उन्नाव में पीड़ित के घर भी पहुंची। 4 सदस्यों की ये टीम माखी थाने भी पहुंची। सीबीआई की टीम ने थाने में दर्ज मुकदमों की गहराई से जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने थाने से अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। सीबीआई ने पीड़ित के घर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों और महिला कांस्टेबल से भी पूछताछ की। उधर उन्नाव के डीएम ने पीड़ित के परिवार की मांग पर कुलदीप सिंह सेंगर की 3 हथियार लाइसेंस को निरस्त कर दिया। इस बीच पीड़ित की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़ित को निमोनिया हो गया है। घायल वकील को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। दोनों मरीज अभी भी बेहोश हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। सीतागुट्टा जंगल में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। एक AK-47, एक कार्बाइन, 3 .303 और इसके अलावा अन्य वेपन्स बरामद हुए हैं और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। नक्सली छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे थे और जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लगातार बारिश ने एक बार फिर मुंबई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया जिसके बाद लंबा जाम देखने को मिला। रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट पर भी बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोकल सेवा प्रभावित हुई और कई उड़ानों को भी डायवर्ट करना पड़ा। नवी मुंबई के खारघर में पिकनिक मनाने गई 4 छात्राएं झरने के तेज बहाव में बह गई। हादसा खारघर में पांडव कडा झरने में हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से सूर्य नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रही 4 गाय पानी में बह गई। गुजरात के वडोदरा में आज फिर एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में मिला। NDRF के जवानों ने मगरमच्छ को पकड़ा और फिर उसे विश्वामित्र नदी में जाकर छोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हुई। बारिश के चलते सोलन में पहाड़ का एक टुकड़ा सड़क पर गिर गया जिसकी वजह से NH5 पर मुसाफिर फंस गए। ऊना में भी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली के पास गुड़गांव में बारिश से भारी तबाही हुई है। गुड़गांव में कई जगह सड़कें धस गईं, जबकि उद्योग विहार में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई।